कोटेदारों का ठेकेदार बन बैठे शकील खान का ग्रामीणों ने किया विरोध। राशन वितरण में गड़बड़ी व मनमानी तरीके से संचालन का लगाया आरोप। मिर्जापुर नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम सभा भोरबा माफी में ग्रामीणों ने राशन वितरण में गड़बड़ी एवं मनमानी तरीके से संचालन का आरोप लगाते हुए कोटेदारों का ठेकेदार बन बैठे शकील खान का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बताया कि हम लोगों को राशन उठाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव के दो भागों में बटा हुआ है, बीच में रेलवे की लाइन बिछी हुई है जिस पर तेज रफ्तार ट्रेनों का आवागमन होता है तथा लूप लाइन में ट्रेन हमेशा खड़ी रहती है जिस कारण बड़ी दुर्घटना होने का एक डर समाया रहता है, जिसकी वजह से हम सभी ग्रामीण इस डर से गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों के राशन में कटौती करके राशन दिया जाता है। कई लोगों के नाम राशन कार्ड से कट गए हैं जिनका आज तक नाम नहीं जोड़ा गया। कई बार इस संदर्भ में हम लोगों ने शिकायत भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया पिछले दो महीने से हम सभी को राशन लेने में कठिनाइयां हो रही हैं। राशन की दुकान कुरैसा बेगम के नाम से है जो हमारे गांव की मूल निवासी भी हैं। हम सभी को जानती पहचानती हैं लेकिन पिछले दो महीनों से शाहपुरा गांव का व्यक्ति शकील खान राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। उनकी मनमानी रवैये से हम लोग बहुत परेशान हैं जिस कारण हम चाहते हैं कि शकील खान द्वारा राशन का वितरण कार्य न कराया जाए और हम ग्रामीणों को सुविधा में ध्यान रखते हुए राशन वितरण दो भागों में किया जाए। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। माता जी आपका क्या नाम है? जानी। कहाँ की निवासी हैं आप? भोरभार। कोटे की समस्या को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे हमने तो रेल से कट देंगे राशन दिया हुआ जी। हाँ ये पर मैं कहती जब सुनता नहीं पड़ा जी। हाँ जब राशन लेने को होगा तो गाड़ी खड़ा हो जाता है, कैसे जाए कैसे का करें। आराम से इधर पिछले दो महीने से शकील खान करके बाहरी आदमी शाहपुर के आकर के कोटा में राशन बांट रहे हैं, उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? वो जो को नहीं। हाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं? अंगूठा लगत नहीं हो तो फिर ओमन 13 घंटा टिटी मांग जी, इतना टाइम किकरे हो कि 4 घंटा जाके वहाँ लाइन लगाई। समय से आते हैं वो? समय से अब आवा नया उसे 7 बजे से नियम है। ये बाहरी आदमी आप लोग को पहचानते हैं? आप लोग उनको पहचानती हैं? नहीं। जी दिक्कतें आती हैं यानी क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार राशन बटे जी, क्या चाहती हैं आप जी? यानी जो नए कोटेदार के स्थान पे जो बाहरी व्यक्ति आके बांट रहे हैं राशन, वो बांटे कि ना बांटे? नहीं नहीं ना नहीं। उनसे आप लोग असंतुष्ट है, नहीं चाहती हैं? उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार नहीं सही है जी। ये कि हम लोग बांट लेंगे, हम लोग कहीं इस पर आवे, हम लोग खुद बांट लेंगे। अगर मान लीजिए कुरैसा बेगम जो कोटेदार हैं वो अगर अपने माध्यम से बांटे या गांव के अन्य सहयोगियों से बांटे तो आप लोग राशन लेना सही समझेंगी?